जो भाई परेशान है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, कृपया वो आए, अपना नाम रजिस्ट्रेशन करें www.chartpeople.com पे और अपने बच्चों का रिश्ता कराएं। कोई भी समस्या इसके बाद ही बचती है। आपको समझ नहीं आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन कीजिए, आके बात कीजिए। जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हम कराएंगे। धन्यवाद। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है कटेवा। इसको कहीं पर कटेवा, कौंटक, कोर्टक, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये नागवंशी जाट भाई है। ये आप समझ सकते हो कैसे लिखा हुआ है। इसकी जो शुरुआत हमें मिलती है कटाली नाम की एक नदी थी। और पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे लोग इकट्ठा रहने लगे तो इंडिया में, हिंदुस्तान में जनपदों की स्थापना हुई। जनपद भी पहले देश होते थे, राष्ट्र, जैसे हस्तिनापुर, अयोध्या, ये जनपद कहलाते थे। एक मतलब अपना स्वयंभू राजा के साथ एक पूरा का पूरा, क्योंकि इस आप जानते हो पहले जितनी सेटलमेंट होती थी वो नदी किनारे होती, और नदी किनारे दूसरी चीज होती थी टीला, मतलब ऊंचाई पे, ताकि बाढ़ ना आ सके, कोई हमला भी हो तो उसको रोक सके। तो यहां पर इस किनारे पर एक खुड़ाना नाम का एक गढ़, वो इनका जनपद में, समझ गए आप, नदी है कुटाली और कुड़ाना नाम का गढ़ किला है जो एक ऊंचाई पे, वहां से इनकी सबसे प्रथम हिस्ट्री मिलती है। आप जानते हैं पहले पहले क्या, आप भी आम बात, लड़ाई लड़ना इंसान की फितरत है, ये लड़ता ही रहता हमेशा ही। तो यवन से युद्ध करते वक्त समस्या हुई, तो फिर ये जो है वहां से निकल के आगे चले गए। इसमें कुछ कटेवा भाइयों का सर भी काट दिया गया था, ऐसा कुछ बताते हैं। उनका ये तो नहीं मिला हिस्ट्री, लेकिन यहां मैं एक बात बता दूं, कुछ कटेवा लोग यादवों में भी है, उसका हमें प्रूफ मिला है, लेकिन सबूत नहीं मिला कि क्या कैसे क्यों है, मतलब हिस्ट्री नहीं मिली। तो अचरज में ना पड़े। वैसे तो खैर आप भी जानते हैं कि हमारा जैसे जैसे हिंदुस्तान बसता गया, जैसे मुसलमान जाट, क्रिश्चियन जाट, हिंदू जाट, बिश्नोई जाट, ये सब अलग अलग, लेकिन हमारी बेस एक है। हमें हिंदुओं के या जात धर्म के नाम पर बांटा गया। इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो चतर सिंह कटेवा, गांव बख्तौरपुर चिड़ावा से हैं, इन्होंने आजादी में स्वतंत्र सेनानी रही है। राम सिंह कटेवा, ये भी सिखावटी में एक आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा, उसमें इन्होंने था। लास नायक विनोद कुमार कटेवा, ये कारगिल में शहीद हुए थे। गणपति राव कटेवा, ये कंवरपुरा झुंझुनू से सामाजिक कार्यकर्ता है और इन्होंने भी सिखावटी आंदोलन में पार्ट लिया। राम सिंह कटेवा इंडियन आर्मी में थे और रिटायर हो चुके हैं। बुधराम कटेवा, ये भी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, रतनगढ़ के हैं। नरेंद्र सिंह कटेवा इनकम टैक्स में थे, ये आज रिटायर हो गए। चंदन सिंह कटेवा कंवरपुरा के हैं, ये टीचर थे। अमित कटेवा, ये प्रथम SC है, कीटनाशक जो दवाइयां नहीं बनती जो खेतों में यूज होती है उसकी, उसमें। जितेश कटावा, ये इनकी फार्मेसी अपनी, मतलब जो दवाइयां बनाती है। होशियार सिंह कटेवा, ये BSF में थे। देवेंद्र कटेवा IAS हैं। सुखराम कटेवा दानिप्स हैं, अंडमान निकोबार की सर्विस है। मुझे यहाँ एक चीज थोड़ी समझ में ये नहीं आ रही, इनके देखो नाम भी मिल रहे हैं, कुछ गांव के नाम मिले, जैसे मैंने आपको बताया झुंझुनू के आसपास, पर इनके ज्यादा गांव हमें मिले नहीं। बस यही सोर्स मिलता है कि एक वहां नदी किनारे थे, वहां से माइग्रेशन हुआ, थोड़े बहुत गांव को बताइए कि मतलब, फिर लगता है वहां से युद्ध में हारने के बाद बिखर गए, छितर गए। तो इनका इकट्ठे गाँव का सोर्स हमें नहीं मिला। यदि आप सब लोग भाइयों को मिले तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर लिख के भेजे और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ताकि ज्यादा भाइयों के पास पहुंच सके। इसी के साथ नमस्कार।